लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुंडे इस लड़के को मार देना चाहते थे। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये पुलिस कैसे समझे? ए तू भी मत हिलना। ये तो प्रिंसिपल का लड़का विजय है। मर गया। शट अप। यस सर। हुकम सिंह। हुकम सर। तुम इन सबका बयान लो। जी। मैं इसे लेकर प्रिंसिपल के घर जाता हूं। मां। हां बेटे। ऐसा लग रहा है कि आज तक मैं एक बहुत ही भयानक सपना देख रहा था। उसके इतने करीब रहकर उसे समझ ना सका, उसे पहचान ना सका, ऐसा क्यों? जिंदगी सुबह की धूप की तरह फैलती है बेटा। जो कल अंधेरे में था वो तुम्हें आज दिखाई देने लगा, जो आज का अंधेरा है वो कल की रोशनी के साथ दूर हो जाएगा। इसी का नाम तजुर्बा है बेटे। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। अगर मैंने आपकी बात पहले सुनी होती तो शायद आज जिंदगी में मुझे नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। हाँ। माँ। हाँ। आप मेरी शादी के बारे में सोच रहे थे ना? हाँ। आपकी पसंद की किसी भी लड़की से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच बेटे? हाँ माँ, अब मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। मैं ये शादी नहीं करूंगी डैडी। क्यों? क्योंकि विजय किसी और से प्यार करता है। लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो। करती हूँ, इसलिए प्यार की कदर जानती हूँ। घर वालों की जिद के लिए अपने प्यार का गला घोंटते ये मुझे गवारा नहीं। तुम गलत समझ रही हो बेटी। विजय ने यह फैसला घर वालों की जिद के लिए नहीं किया, उस लड़के की बेवफाई की वजह से किया है। उस लड़के को विजय से नहीं, उसकी दौलत से प्यार था। प्यार से बड़ी दौलत तो कोई नहीं होती डैडी। यह सिर्फ सच्चा प्यार करने वाले जानते हैं। आज की दुनिया में मतलबी लोग ज्यादा हैं। तब तो विजय बहुत दुखी होगा। उसके टूटे हुए दिल को सहारा चाहिए, और इस वक्त सिर्फ तुम्हारा प्यार ही उसके होठों की मुस्कुराहट बन सकता है। मैं विजय से मिलकर आती हूँ। यस, यशवंत स्पीकिंग। मैं नीलिमा बोल रही हूँ। निल्म, विजय शादी के लिए राजी हुआ कि नहीं? हाँ, राजी हो गया है। समझ में नहीं आता तुम्हारा किस जबान से शुक्रिया अदा करूं। आप खुश हैं?
इतना ही काफी है मेरे लिए। एक बात की इजाजत चाहती हूँ आपसे। हाँ कहो कहो। एक बार आपको मैं डैडी कह सकती हूँ? अरे पगली, बेटी से डैडी कहने का हक कौन छीन सकता है? और फिर तुमने जो कुर्बानी दी है वो इस दुनिया की कोई दूसरी लड़की नहीं दे सकती। शुक्रिया शुक्रिया डैडी, शुक्रिया डैडी, शुक्रिया। हेलो बेटी, बेटी नहीं हूं विजय, मैं बेवफा नहीं हूं। हरामखोर, मेरा बैंक बंद करना चाहती है? मुझे मर जाने दो अच्छी, मुझे मर जाने दो। ऐसे कैसे मर जाने दूं? अभी तो तुझसे लाखों कमाने हैं। चल, मुझे मर जाने दो। चल जल्दी से तैयार हो जा, मैंने जेसी को बुलाया है, तुझे उसके साथ जाना है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगी, कोई भी बुरा काम नहीं करूंगी। अरे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। बाप की यह कसम है, मुझे अपनी जान दे दूंगी, लेकिन रगों में दौड़ते हुए अपने शरीफ बाप के खून को मैं पीने नहीं दूंगी, पीने नहीं दूंगी। ये देखो तारा बहन, देखो ये मैंने अन्नू की शादी के लिए बनवाए हैं, और वो जो लाल जोड़ा है ना, और वो हाथ, वो अन्नू के ससुराल वालों की तरफ से आया है। क्या सोच रही है तारा, इतनी कीमती चीजों में तेरी इस चेन की भला क्या कीमत? नहीं नहीं, मैं इसे वापस ले जाऊंगी। तुम यहां? वो बेटी, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटी कहा। क्या लेने आई थी यहाँ? क्या है तेरे हाथ में? चोर कहीं की? ये चुराने आई थी? नहीं। क्या हुआ? डैडी, ये जेवर चुराने आई थी। ये जेवर हमारा नहीं है। क्या उतर? यह क्या कह रहे हैं डैडी? इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। इसने कोई चोरी नहीं की। तुम जाओ तारा। डैडी आप इसे नहीं जानते, ये पक्की चोर है, जेल जा चुकी है, इसलिए कॉलेज से भी निकाली गई थी। वो यहाँ चोरी करने नहीं आई थी। तो फिर क्यों आई थी? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। आज तक आपने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या समझूं मैं? एक दो टके की घटिया औरत हमारे घर में आई, जेवर वाले कमरे से बाहर निकली, सोने की चेन उसके हाथ में थी, और मेरे डैडी कह रहे कि वो चोरी करने नहीं आई। वो मुझसे मिलने आई थी। आपसे? क्यों? अनु, मैं एक वकील रह चुका हूँ, अच्छे बुरे सभी तरह के लोग मुझे जानते हैं, हर मिलने वाले के बारे में तुम्हें नहीं बताया जा सकता। मैं सिर्फ इस औरत के बारे में जानना चाहती हूँ। एक तो ये चुड़ैल मेरे कॉलेज में थी, दूसरे पता नहीं क्यों उस मनुष को देखकर मुझे जीती बेचैनी होने लगती है। इस चोरनी को देखकर मेरा दिल, मेरा दिमाग घूमने लगता है। मैं इस औरत से नफरत करती हूँ, नफरत। बंद करो इस टॉपिक को। नहीं डैडी, मेरे दिल में यह सवाल कांटा बनकर चुभता रहेगा। आपकी अच्छाई, आपकी इज्जत, आपकी शराफत पर हमेशा मुझे फक्र रहा है, लेकिन आज मुझे बताइए डैडी, आप उस बदजात औरत को कैसे जानते हैं? क्या संबंध है उसका आपसे, इस घर से? का संबंध इस घर से नहीं, मुझसे नहीं, तुमसे है। मुझसे? हाँ तुमसे। तुम्हें बचाने के लिए उसने एक आदमी का खून किया, जेल गई, और आज तक दरबदर की ठोकरें खा रही। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है, सगी माँ। और आप? मैं एक ऐसा बाप हूं जिसने अपनी सगी बेटी को खोकर तुम्हें अपनी बेटी बना लिया।
इसका मतलब उसे देखकर जो नफरत तेरे अंदर उठती थी, दरअसल वो सगे खून की पुकार है। उसने मुझे जन्म दिया और मैंने मैंने उसको कितना दुख दिया, कितना दुख दिया। कानू, तुम कहां जा रही हो? नफरत ने प्यार को पहचान लिया है डैडी, मैं उस ममता को मनाने जा रही हूँ। नहीं जानते ये पक्की चोर है, चोर कहीं की। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो, जैसे भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आज शरीफ लड़कियों की तरह नखरे किस लिए हैं? मैं विजय को अपनी बेवफाई का यकीन दिलाना चाहती थी, उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करवाना चाहती थी, ताकि वो मेरे पिता की पाली हुई बेटी अनुपमा से शादी कर ले। इस खूबसूरत जिस्म से खेलना मेरी इज्जत बन चुकी है, आज मैं अपनी वो इज्जत पूरी करके रहूंगा। नहीं, छोड़ इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दे, जब भी भाग गई आके। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं जाने दूंगी तुझे, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं जाने दूंगी तुझे। डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं तुम्हारी ममता को पहचान ना सकी, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। आखिरी वक्त में तुमने मुझे माँ कहा। नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यशवंत भैया से कहना, जो लड़की विजय से प्यार करती है वो उनकी अपनी बेटी है, उसने विजय से बेवफाई का नाटक इसलिए किया ताकि वो तुमसे शादी कर सके, पिछड़े बाप को बेटी से मिला देना। मिला।